तो गाइस हम आ चुके हैं फेमस मिस्टर मोमो पर। यहाँ पर इनकी वीडियो मैंने बहुत देखी है यूट्यूब पे, डेली डेली कस्टमर आते हैं और अच्छा फीडबैक देते हैं यहाँ का। आप देखते हैं रियल फीडबैक देते हैं कस्टमरों से यहाँ पर कैसा लगा उन्हें मोमोज। तो मैम आपने कौन से वाले मोमोज ऑर्डर किए? पनीर मोमोज। इन्होंने मैम ने पनीर मोमोज ऑर्डर किए, तो मैम कैसे थे, इनका टेस्ट कैसा था? बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है, ऐसा तो नहीं मैम आप जबरदस्ती बोल रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा मैम को बहुत अच्छे मोमोज लगे। लेकिन यहाँ के आप कितने बार आए हो यहाँ पर इससे पहले? मैं सेकंड टाइम आई हूँ। मैम यहाँ पर सेकंड टाइम आई हैं और मैम को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मोमोज। और मैम आपने कभी यहाँ का चैलेंज ट्राई किया है, जो चैलेंज भी होता है यहाँ पर? अच्छा मैम ने कभी चैलेंज ट्राई नहीं किया, बट फिर भी मैम को मोमोज अच्छे लगे। तो भाई आप, मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। मोमो वाले भाई जरा बताइए कि यहाँ पर क्या चैलेंज होता है, जरा अच्छे से बताइए हमें डिटेल। हमारे भाई यहाँ एक प्लेट के अंदर 8 मोमोज खाने का चैलेंज होता है। जो यहाँ 8 मोमोज खा लेता है 100 रुपये इनाम होता है, और जो एक प्लेट के अंदर 8 मोमो पूरी प्लेट खा लेता है उसे 250 इनाम होते हैं। यहाँ डेली चैलेंज होते हैं और जो खाते रहते हैं वो जीत रहते हैं। यहाँ का मोटो यह है डेली आओ डेली खाओ डेली कमाओ। तो भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, ये कब से स्टार्ट किया है? यहाँ पे 2 मंथ्स हो चुके हैं और यहाँ बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है कस्टमर्स का। और हमारी पहली ब्रांच कराव नगर चौक पर भी है। तो आपने कहा है कि आपकी पहली ब्रांच करावल नगर पे भी है, तो इससे पहले मुझे ठीक है। तो यहाँ पर सारे आसपास बहुत तारीफ करते हैं इसकी, मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर जाके फीडबैक ले लेते हैं। तो मिस्टर मोमो की बहुत तारीफ सुनी हमने। बाकी मैं आपको इसे बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ तरह तरह की चीज़ें। वैसे ये द पिज़्ज़ा पैलेस के सामने है आप देख सकते हैं, और ये मेन मार्केट के जस्ट बाहर है। चलो इसका फीडबैक लेते हैं दूसरी तरफ से कैमरे को टर्न करके। भाइयों मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर कस्टमर से न लूँ, यहाँ पर जो आसपास रहते हैं उनसे भी फीडबैक ले लूँ यहाँ पर कैसे है मिस्टर मोमो। तो भैया आपका नाम क्या है बताइए जरा? संतोष। इन भैया का नाम संतोष है। तो भैया संतोष भैया आप कितने साल से लगा रहे हो अपना ये काउंटर? 15। भैया ने 15 साल से लगा रहे हैं, तो भैया को काफ़ी एक्सपीरियंस है इस जगह का। तो भैया आपको आपके बराबर में जो ये होता है तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया होता है, जरा माइक में बोलिए भैया, आपके यहाँ माइक है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया होता है भैया को लगता है, लेकिन कोई बेकार भी बोल के जाता है क्या? क्या अच्छी चीज़ है यहाँ पर? नहीं, नहीं, आज तक जब से लगी है किसी ने बेकार बताया नहीं। तो यहाँ पर डेली चैलेंज होते हैं नहीं होते भैया? या डेली है। इनकी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है और इनके साथ में आपको भी देखा है, कभी बहुत बार आते हो आपके, जब भी आप इनकी वीडियो बनती है तब आपकी ठेली आ जाती है। तो मैंने आपको भी देखा, आप भी बहुत मशहूर हो। ये बताइए कि यहाँ पर सबसे फेवरेट आइटम कौन सा है? कौन से वाले मोमो सबसे अच्छे लगते हैं यहाँ के? सारे जो अभी जितने तीनों भी से बढ़िया लगते हैं, तीनों बढ़िया हैं, सोयाबीन भी पनीर भी गोभी भी। अच्छा तो भैया ने बोला इनके सारे मोमो बढ़िया हैं। खराब बताया, किसी ने बोला हो भाई खराब है, फिर बताया नहीं अभी तक। अच्छा कैसे कैसे कैसी खराब हो गया? तो यहाँ पर सिर्फ लड़के लड़के आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं और लेडीज भी आती हैं, सब कुछ हर कोई आता है। तो और लेडीज कोई जीती नहीं जीती अभी तक यहाँ पर? हाँ लड़की लेडीज भी जीती, लेडीज जीती हैं। तो भैया ने बोला कि लेडीज जीती हुई हैं। तो भैया आप यहाँ पर रेगुलर खड़े होते हो या फिर कभी कभी आते हो? नहीं रेगुलर। ओके थैंक यू भैया, नाइस टू मीट यू। तो हम आ चुके हैं गन्ने वाले भैया के पास, इनके गन्ने बहुत मशहूर हैं, जो गन्ने का जूस। ये भैया काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं। भैया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ भजनपुरा में? चार साल हो गए भैया को। तो भैया मैं पूछना चाहूँगा, जो ये मिस्टर मोमो हैं जो आपके एक रेडी छोड़ के आगे हैं, उसका फीडबैक कैसा है लोगों के लिए? भैया बहुत बढ़िया है, बहुत लोग आते जाते हैं, एक से एक लोग आते हैं उसके पास। तो मैंने सुना है यहाँ पर 1 मिनट का मोमो चैलेंज होता है? हाँ सही बात है, सही होता है। और लोग जीतते हैं? जीतते बिल्कुल बिल्कुल जीतते हैं। तो आपने देखा कभी अपनी आंखों से देखा है मोमोज होते हुए चैलेंज? बहुत बार देखा है। तो जीत गए लोग? नहीं जीत गए? बिल्कुल जीते। आपने मोमोज खाए वहाँ के? नहीं खाए। खाए बहुत खाए हमने। खाए हैं, क्या लगते हैं मोमोज? बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ भैया ये भैया यहाँ के लोकल ग्राहक हैं। भैया आपने मोमोज का नाम सुना है? नहीं सुना मिस्टर मोमो वाले का? हाँ जी। अच्छा ये भैया शेरपुर चौक पर रहते हैं, शेरपुर पे भी इसकी एक ब्रांच है, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है। तो भैया आप कुछ बताना चाहोगे अलग से बारे में इनकी, यानी क्या खासियत है? खासियत भाई बहुत लोग को बताते हैं कि सोस की वजह से होता है, पर ये जो होता है ना, तो कोई बताता है कि इसकी वजह से होता है, पर मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इनाम की वजह से और इसकी जो क्वालिटी होती है ना, उसकी वजह से लोग पसंद करते हैं। अच्छा यानी इनाम और क्वालिटी की वजह से ये पसंद करते ज़्यादा हैं। अच्छा तो मैंने देखा है इनके मोमोज बड़े बड़े होते हैं और पूरे मार्केट में इतने छोटे छोटे मोमोज बनाते हैं, ऐसा ही है, सच है ये झूठ है? काम। और बाकी मैंने देखा था कि इनसे आगे हैं 3-4 मोमोज वाले हैं, तो उन कंपेरिजन में इनके कैसे मोमोज हैं, क्योंकि आपके तो बहुत 15 साल से रह रहे हो, 10 साल से रह रहे हो? जी भैया है तो वो भी सही, पर ये जो है ना, ये नाम की वजह से और अभी की वजह से फेमस हुआ है।
और वो जो है वो पहले अच्छा अच्छा ठीक है भैया, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया, थैंक यू। तो भाई हम आ चुके हैं मिस्टर मोमो के साइड वाले डेली पे। अब ये इनके भैया का नाम है राजकुमार, ये छोटा लड़का काम करता है। अब इससे फीडबैक लेते हैं कि मिस्टर मोमो कैसा है। भैया आप कितने टाइम से काम कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर 20 साल से। 20 साल हो गए हैं भैया को काम करते हुए, इनके भैया को, और ये साइड में इनके साथ काम करता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मिस्टर मोमो कैसे चल रहा है? सही चल रहा है। यहाँ पर मैंने सुना है यहाँ पर चैलेंज होते हैं, पैसे वैसे का कुछ इनाम होता है, ऐसे ही कुछ है? सच है झूठ है? सच है। भैया थोड़ा शर्मा रही हैं इसलिए सही से खुल के बोल नहीं पा रहे। अच्छा, बाकी मैंने देखा है कि इनकी बहुत वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी है, तो आप बताइए जीत के जाते हैं लोग, जीत के नहीं जाते? रोज जीत के जाते हैं। तो कितने रुपये इनाम होता है कुछ बताओगे? 100 रुपये इनाम होता है, 1 मिनट में 8 मोमोज। 1 मिनट में 8 मोमोज खा के 100 रुपये इनाम होता है। मैंने काफ़ी इनकी वीडियो देखी है, तभी मैं अपने घर से यहाँ पर आया हूँ। मैं ग्राम लगा रहता हूँ, मुझे पता नहीं था भजनपुरा में इतने पास में ही है ये मिस्टर मोमो। तो अपने थोड़ा बड़े भैया को भी दे दो माइक, थोड़ा भैया बोलो आप भी। आप 20 साल से, इसकी 20 साल उम्र भी नहीं है, लोग विश्वास ही नहीं मानेंगे। आप बताओ भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार है। भैया का नाम राजकुमार है। भैया आप 20 साल से आप ही लगा रहे हो? हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था कि पूरे मार्केट में कब आए थे मिस्टर मोमो? ये हो गए 2-3 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो 2 महीने में आपने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब क्या देखा, कितनी भीड़ आती है नहीं आती? भीड़ आती है बढ़िया। मैंने सुना है ये बोल रहे थे कि तुम्हारे गोलगप्पे ग्राहक रोक लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कोई जो चैलेंज होता है, शर्त होती है, तो शर्त में लोग जीतते हैं? जीतते हैं। कितने इनाम है इनका? 1 मिनट में 8 मोमोज खाने और 100 रुपये इनाम है। अच्छा, तो मैंने देखा है यहाँ पर जो आगे मोमोज वाले हैं, इन सबके छोटे छोटे मोमोज होते हैं, ये बात सही थी क्या? सही है। और इनके बड़े होते हैं ज़्यादा ही? इनके बड़े हैं। अच्छा, तो मैंने बोला कि बड़े होते हैं। और बाकी आप इससे मिस्टर मोमो से खुश हो नहीं हो? भैया जी खुश हैं, ठीक है भैया। हाँ जी, दोबारा मिलते हैं फिर जल्दी। तो भाई जैसे कि यहाँ पर जो नॉर्मल ग्राहक खा रहे हैं, रेगुलर ग्राहक हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन भैया से पूछ रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? हैदर। भैया का नाम हैदर है। तो भैया आप यहाँ पर कितनी बार आए हो इससे पहले? पहली बार आए हो। तो आपने मोमोज खाए, कैसे लगे मोमोज? अच्छे, बहुत अच्छे लगे। तो आप कुछ आपने इसके बारे में सुना है, चैलेंज के बारे में? नहीं भैया। मैं पहली बार आया हूँ, मैं भी, और आप भी पहली बार आए हो। तो इसमें लिखा है कि 1 मिनट में मोमोज खाओ और 8 मोमोज खाने होते हैं और 100 रुपये इनाम मिलता है। तो आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा? नहीं, पहली बार आए हो? पहली बार। बट मैंने इसकी यूट्यूब पे वीडियो देखी है, तो आपने चैलेंज तो ट्राई नहीं किया, लेकिन आप टेस्ट ही बता दो कैसा है, मतलब? बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आपने कौन से वाले मोमोज खाए? चिकन वाले, और ये भैया कौन से हैं? पनीर वाले। दोनों का अच्छा टेस्ट है। तो चिकन वाले रखते हो भैया आप? सोयाबीन बताया उन्होंने, सोयाबीन के। तो चिकन के, मतलब सोयाबीन के और पनीर के मोमोज का टेस्ट अच्छा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, और थैंक यू भैया, चलो फिर आपने अच्छा फीडबैक दिया। हम इनका यूट्यूब पर डालेंगे, देखते हैं भाई पनीर होते नहीं होते। तो इन मैम को हमारे मोमोज अच्छे लगे, इनका फीडबैक लेते हैं मैम से। मैम कैसे थे मोमोज? बढ़िया भैया। मतलब कौन से वाले आपने खाए थे? स्टीम में। कौन से? पनीर। पनीर वाले। तो उनका मतलब क्या चीज़ अच्छी लगी, चटनी अच्छी लगी या फीलिंग अच्छी? दोनों चीज़। तो ठीक है मैम, आइएगा दोबारा आएंगे भैया। थैंक यू मैम।